द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि यार आप लोग बहुत दिनों से यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम के डीएम में, टेलीग्राम पे आप मुझे बार बार मैसेज कर रहे हो कि भैया ये टारगेट स्टडी आप कब स्टार्ट करवाओगे, क्योंकि यार मैंने पहले भी नीट 2022 में, नीट 2021 में ये टारगेट सीरीज स्टार्ट किया था, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये चीज़ सीख गए थे कि यार परसिस्टेंट कैसे रहना है, कॉन्सिस्टेंटली कैसे काम करना है। तो यार इस वीडियो में आपको ये डिटेल में बता रहूँगा कैसे क्या होने वाला है, कैसे टारगेट स्टडी स्टार्ट होगा, इससे क्या आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, और भी बहुत सारे बातें हैं जो इस वीडियो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाने मुझे बहुत समय लगा है, लिटरली ये प्लान बनाने में मुझे बहुत समय लगा है, और बहुत कुछ मैं बैक में तैयार करके रखा हूँ जो धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट देखना, छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ ताकि आप बहुत कुछ यहाँ से नोट डाउन कर सको। अब ये जो टारगेट स्टडी है ये स्टार्ट हम करेंगे कब से यार, तो छोटी सी एक डेट मैंने डिसाइड किया है, वो है 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर तक अगर हो सके तो यार इस वीडियो को शेयर कर देना उन स्टूडेंट के साथ जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं, ताकि वो मेरे से जुड़ सके। ठीक है, तो यार ये जो टारगेट स्टडी है वो स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से, और वो होगा मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। इस बार हम टेलीग्राम पे नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे एक प्रॉब्लम होती है जो आप लोग को होती है कि आप लोग कुछ मुझे मैसेज नहीं कर सकते हो, और ये जो मैं यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में करूँगा यहाँ पे आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और यार एक जो डाउट है आपका, वो डाउट है कि भैया ये आप किस प्लेटफॉर्म को फॉलो करोगे, इसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि यार जो बेसिकली मैं फॉलो करने जा रहा हूँ वो बिगेस्ट प्लेटफॉर्म PW को करने जा रहा हूँ। वैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं, उसे भी यार निराश नहीं होना, बिल्कुल निराश नहीं होना, क्योंकि आपके पास भी एक ऑप्शन है ये कि यार अगर आप खुद का डेली टारगेट्स डिसाइड कर रहे हो तो आप मुझे उसी कम्युनिटी सेक्शन के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, और अगर आपका वो टारगेट्स को मैं लाइक कर दे रहा हूँ, मतलब आप समझ जाओ कि यार मैंने आपका वो टारगेट्स पढ़ लिया, और अगर मुझे कुछ सुधार करना होगा तो हम उसी समय आपको करके दे देंगे, फिर आप उसको फॉलो करना आपके उस दिन में। अब यार टारगेट स्टडी कैसे होगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, यार मैं आपको अपने YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में एक डेली का टारगेट दे रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कैसे होगा, तो यार आप सुबह में जैसे ही उठोगे ना, आपको YouTube का मेरा कम्युनिटी सेक्शन खोलना है, आप मेरा चैनल सर्च करोगे, फिर आप मेरे चैनल पर जाओगे, फिर आप कम्युनिटी सेक्शन पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको डेली के टारगेट्स दिख जाएंगे। अब आपको यार उसको या तो नोट डाउन कर लो या फिर ऐसे देख लो कि आज का टारगेट क्या क्या है, जिसे आपको रात के 12 बजे तक कंप्लीट करके मुझे 1 बजे तक बता देना है। ठीक है, ये आपका हर रोज का काम होगा। अब यहाँ पे जो हम फॉलो कर रहे होंगे वो PW प्लेटफॉर्म को कर रहे होंगे। अगर आपको नहीं पता यार PW प्लेटफॉर्म क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि PW एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया के बेस्ट टीचर से, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में करवाते हैं। PW का एक छोटे से मोटिव है, हर एक सिटी में, हर एक विलेज में, हर एक घर में बच्चे पढ़ सकें। बस आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए यार, आपके पास एक फ़ोन होगा आप पढ़ लोगे, या तो एक फ़ोन रख लो या फिर एक लैपटॉप, और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी रहेगी तो आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। और यार PW ना हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, बांग्ला में अवेलेबल है, और अदर लैंग्वेज में भी आ रहे हैं। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इट इज़ अफोर्डेबिलिटी, और PW को यार हर एक स्टूडेंट अफोर्ड भी कर सकता है, क्योंकि यार वहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं ना 99 रुपीज़ से लेके मैक्सिमम 4200 तक ही जाते हैं, जो हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं। PW के प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक चीज मिलती है, आपको बेस्ट कोर्सेज मिलते हैं लाइक नीट का, जेई का, बोर्ड का, एंड अदर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। आपको एक और चीज मिलती है, दैट इज स्टडी मटेरियल, जो कि बेस्ट फैकल्टी के द्वारा डिजाइन किया गया है। आपको एक और चीज मिलती है, दैट इज टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हो, वो चीज़ भी आपको मिल जाती है। और एक और चीज़ मिलती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आई है, दैट इज़ PW सारथी, जहाँ पे आपको 24/7 आपको डाउट सॉल्व करने के लिए टीचर्स मिलेंगे। तो यार PW के बारे में ये इतना काफ़ी है बताना, और यार अगर आप PW को ज्वाइन करना चाहते हो तो छोटा सा कोड होगा APR150, आप लगा लेना, कुछ पैसों का डिस्काउंट भी हो जाएगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो PW प्लेटफॉर्म है हम इसी को फॉलो करने वाले हैं, जैसा यकीन 2.0 में चल रहा होगा उसी को मैं फॉलो करूंगा। बट अगर आप खुद के टारगेट्स डिसाइड कर रहे हो, आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, निराश होने की कोई बात नहीं है, आप आ सकते हो मेरे साथ। ठीक है, आपके लिए वो कमेंट सेक्शन खाली है,
ठीक है, तो ये तरीका से स्टार्ट होगा। फाइन, और भी कुछ डिटेल्स हम बता दे रहे हैं यार, ये जो हमारा डेली टारगेट्स होगा ये 1 मंथ के लिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। जो बच्चे 1 मंथ लगातार काम करेंगे फिर मैं उसमें से कुछ बच्चों को पॉइंट आउट करूंगा और उसको मैं पर्सनली हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आपको स्टार्टिंग के 1 मंथ एटलीस्ट दिखाना यार कि आप पढ़ रहे हो। और यार ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस, अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो यार सोच लो आपको कभी रिजल्ट नहीं होने वाला, ठीक है। आप बस मुझे बता सकते हो कि भैया मैंने पढ़ लिया, भैया मैंने आज का काम कर लिया, मैं देखने तो नहीं चाह रहा हूँ, हाँ लेकिन मैं किसी भी दिन किसी से टारगेट्स मांग भी सकता हूँ कि यार आपने काम किया या नहीं। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टारगेट्स तो मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा लेकिन बेसिकली जो भी बातें होंगी कि इस चैप्टर में तुम्हें ये जरूर कर लेना है, इस चैप्टर में तुम्हें ये चीज मस्ट पढ़ लेना है, ये सारी बातें हम टेलीग्राम पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो यार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, फाइन। और यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन हर रोज आपको आके चेक करना है, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, और वहां पे यार आपको हर रोज अपडेट करना है कि आपने आज का काम किया या नहीं, ठीक है। बेसिकली इतना काम आपको हर रोज करना है। तो यार ये जो टारगेट्स की बातें हो गई, ठीक है, कुछ फायदा है इसका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से अगर आप डेली का टारगेट्स फॉलो करते हो ना तो आप एक चीज़ सीख जाते हो, दैट इज कॉन्सिस्टेंसी, ठीक है, कॉन्सिस्टेंटली रहना आप सीख जाते हो। और एक और चीज़ यार कि तुम्हें एक ना कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाला कम्पिटेटिव माहौल मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे यार वो काम कर रहा है, वो डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो काम करे तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो एक माहौल मिल जाता है आपको जहाँ पे आप रोज काम कर सकोगे, ठीक है। और एक और चीज़ यार कि तुम्हें एक प्रेशर मिल जाएगा, क्योंकि मैं प्रेशर दूंगा आपको, मैं आपको काम दूंगा कि आपको इतना करना है आज, तो वो अगर आप कर लेते हो यार आप छोटा सा सक्सेस पाते हो। और वो प्रेशर को आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा झेलना ही पड़ेगा, ठीक है, वो झेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आगे हम बात करें यार, कुछ कुछ और भी बातें हैं जो मैंने बहुत सारा चीज़ लिख रखा है यार, ये कंप्लीट प्लान है, ठीक है, ये कंप्लीट प्लान है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं आगे क्या करना है। एक चीज़ समझ लो कि ये जो हमारे पास नीट 2023 का जो ड्यूरेशन है ना वो अप्रॉक्स 8 मंथ का है, ठीक है, अप्रॉक्स 8 मंथ का है। अब इस 8 मंथ यार स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होंगे ना, हो सकता है जिसमें हम 11th को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम 12th को फॉलो कर रहे होंगे, फिर उसके बाद जो 2 मंथ होंगे लास्ट के उसमें आप इंटेंसिव रिवीजन कर रहे होंगे, इसमें भी हम आपको हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यार 12th को फॉलो कर रहे होंगे, यहाँ पे 11th को फॉलो कर रहे होंगे, और बेसिकली हम PW को फॉलो कर रहे होंगे, और साथ साथ हम भी कुछ बदलाव करके आपको देंगे। ऐसा नहीं कि हम कंप्लीटली PW को ही फॉलो करेंगे, ऐसा भी नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग देंगे बट PW को थोड़ा सा हम इंक्लूड करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जो कुछ प्लानिंग हो गया कि हम कैसे टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड किए, फाइन। अब देखो यार यहाँ पे मैंने 12th को लास्ट में इसलिए चुना ना क्योंकि शायद उस समय में आपका बोर्ड भी होगा, तो साथ साथ बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम हेल्प करेंगे आपका, बोर्ड में भी हेल्प करेंगे, बोर्ड को कैसे क्रैक करना है, फाइन। तो यार ये जो एक चीज़ आपको करना है ना कि आप एक टारगेटेड मार्क्स डिसाइड कर लो कि आपको कितना मार्क्स अचीव करना है नीट 2023 में, ठीक है। और यार उस मार्क्स और वो जो मार्क्स है ना उस पर आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, क्या वो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, एक चीज़ आप वो डिसाइड कर लो, या फिर आपका कोई ड्रीम मेडिकल कॉलेज होगा उसको अचीव करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए वो आप डिसाइड कर लो। अब ये जो मार्क्स होगा ना, ये जो मार्क्स होगा और ये जो मेडिकल कॉलेज होगा, ठीक है, जो मार्क्स होगा ना वो मार्क्स आपको हर एक मॉक टेस्ट में अचीव करना है और उसके लिए आपको सीरियसली काम करना है, ठीक है। बेसिकली ये मेरा मेन मोटिव रहेगा, फाइन। तो यार आपको वही मार्क्स हर एक मॉक टेस्ट में अचीव करने की कोशिश करना है। अब यार एक काम आपको करना है, अभी एक काम करना है कि यार आप अपने आप को खुद को एक बार डीप एनालिसिस कर लो कि यार आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, ठीक है। ये मैंने आपको हमेशा बोला कि एक सही पाथ में काम करना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप चैप्टर का 1-2-4 पेज लो, सारे सब्जेक्ट में एक बार ऐसा कर लो कि 4-5 पेज लगेगा, सारे चैप्टर्स का नाम 1-2-3 ऐसे करके लिख लो, ठीक है। और यार यहाँ पे आप कुल एक बार टिक मार लो कि यार वीक है या फिर स्ट्रांग है, ठीक है, वीक है या फिर स्ट्रांग है। फिर यार आप वैसे करके आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है। अब यार जो चैप्टर आपका वीक होगा फिर आप उसका मान लो लेक्चर देखोगे, टिक मार लेना कि मैंने लेक्चर देख लिया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, टिक मार लेना मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। कितना कर लिया वो भी आप लिख सकते हो, आपने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। फिर आप वहाँ पे रिविजन किए हो या नहीं वहाँ पे आप टिक मार सकते हो। तो एक प्लानिंग आप खुद से तैयार करो इस प्रकार से, जहाँ पे आप सारे चैप्टर्स के नाम लिखोगे, इनकेस ऑफ तीनों सब्जेक्ट, ठीक है, सारे चैप्टर्स के नाम लिखोगे, एक प्लान तैयार कर लो जिसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, फाइन। अब उसके बाद यार देखो कि बहुत सारे बच्चे पूछे तो भैया टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बेसिक से टाइम टेबल है कि यार आपको 6 बजे उठ जाना है और 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई करना है। बीच में अगर आप सोच रहे हो कि यार अभी भी मस्ती चाहिए तो आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यार मैंने अपना फर्स्ट टर्म जब दिया था ना
बहुत कम समय मैंने इधर उधर गुजारा है, ठीक है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट यार कि ये जो 7 से 12 का जो इंटरवल होगा ना, सुबह 7 से लेकर रात 12 बजे का, इस खुद को अपने आप को एक रूम में सेपरेट कर लो जहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, सेल्फ स्टडी सिलेक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच स्टार्टिंग का जो समय है ना, वहाँ पे आप कंप्लीटली खुद को रिफ्रेश करो, एक्सरसाइज करो, जो भी करना है वो करो, जिससे आपको माइंड में रिलैक्सेशन महसूस होगा। और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करो 7 से 12 बजे तक, लगातार पढ़ना यार, लगातार, इस नॉट इन द सेंस कि यार लगातार पढ़ना है, बीच में जो छोटा छोटा ब्रेक लो, लेकिन कोशिश करो यार रूम से बाहर नहीं निकलना, कहीं बाहर नहीं जाना, ठीक है। खुद को एक कमरे में फिक्स आउट कर लो, ठीक है। उसके बाद यार देखो कुछ बुक्स के बारे में बता दे रहे हैं कि क्या क्या बुक्स चाहिए। तो बायोलॉजी में बेसिकली आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप बुक ले सकते हो लाइक फिंगर टिप्स वगैरह, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ फिजिक्स आप डीसी पांडे सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, वो बहुत बेस्ट है। सेम इन द केस ऑफ केमिस्ट्री फिंगर टिप्स इज फिंगर टिप बहुत इनफ है, ठीक है। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और यार अब देखो पर डे का क्वेश्चन सॉल्व कितना करना है, तो यार मैं आपको हमेशा से बताया हूँ कि बायो में आपको 200 क्वेश्चन आपको हर रोज करनी है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100-100 क्वेश्चंस करनी है। अगर आप ये कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फाइन। अब यहाँ अब हम बता दे रहे हैं मॉक टेस्ट का, ठीक है, कि भैया ये जो मॉक टेस्ट है कितने कब देने हैं। तो वैसे हम आपको हर रोज टेलीग्राम पे ये चीज़ अपडेट करते रहेंगे कि अब आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। वैसे पीडब्ल्यू पे आएगा ही, बट यार मैं आपको बता दूँ बेसिकली आपको हम ट्राई ये करना है कि पर मंथ 2 से 3 मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए। अब ये मॉक टेस्ट ऐसे नहीं कि दे देना है भाई, ये मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा ज़्यादा फंडा है, ठीक है। मॉक टेस्ट इज द बिगेस्ट की जिसके वजह से आपका नीट में सिलेक्शन होता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कभी मत सोचना कि आपका सिलेक्शन हो जाए। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा है कि मॉक टेस्ट कैसे दे, एनालिसिस कैसे करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, निगेटिव कम कैसे करें, इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बना रखा है, आप आई बटन में जाकर चेकआउट भी कर लेना, ठीक है। वैसे लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। देखो यार मॉक टेस्ट जब भी आप दो ना, तो देने के बाद मार्क्स कम आए ज़्यादा आए कुछ भी आए, आपको एक डीप एनालिसिस करनी जरूरी है कि आपने कहाँ पे लैग किया, आपको कौन सा चैप्टर वीक है, आप जिस चैप्टर को पढ़ के गए थे यार उससे क्वेश्चन बना कि नहीं, आपसे निगेटिव क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी टेस्ट में, ये सारा चीज़ आप एनालिसिस करोगे टेस्ट देने के बाद। अगर करते हो तो शायद आपका बहुत अच्छा होने वाला है, अब आप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना कि मॉक टेस्ट में मिस्टेक कंट्रोल स्टार्टिंग से ही करने की कोशिश करो, क्योंकि लास्ट में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होगा आपको लास्ट में जाके कि भैया मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये चीज़ का आपको स्टार्टिंग से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और यार आप हर एक मॉक टेस्ट जाने से पहले ये जो चीज़ें हैं ना, बिफोर पहले मॉक टेस्ट को उसको रिवाइज करके जाओ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो हमेशा मॉक टेस्ट में, ठीक है। और यार एक और बात बताते हैं, अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। कि ये जो बायोलॉजी है ना, मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा है कि बायोलॉजी में इस बार क्या करना है। नीट 2023 में कुछ बदलाव आए थे 22 में, जिसको लेके 23 में आपको बदलाव करना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे ना, मैंने बहुत सारा वीडियोस बना दिया, आपने नहीं देखा जाके देखना, ठीक है। बट फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं यार करना क्या है। तो आपको स्टिक टू द एनसीईआरटी रहना, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना मित्र, याद रखना। एनसीईआरटी से बाहर अगर जाते हो तो यार कोई फायदा नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट नहीं करना। आप ड्रॉप लियो तो आपके पास बहुत कम समय है जिसमें बहुत अच्छे से काम करना, ठीक है। तो आपको स्टिक टू द एनसीईआरटी रहना, ठीक है। और एनसीईआरटी को ही बार बार जितना बार हो सके रिविजन करना है, ठीक है। आपको रीड करना है, रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, फिर से वही चीज़ आपको रिपीट करना है। आपने पहली बार एनसीईआरटी पढ़ा, रीड किया, फिर आप क्या करो उसको रिकॉल करो, फिर आपको क्या करो उसको रिवाइज करो, फिर वही चीज़ को आप दोबारा रिपीट करो, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, यही आपको बायोलॉजी में फॉलो करनी है, ठीक है। अब यार एक और चीज़ समझ लो कि एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं जाना। अगर आप थ्योरी पढ़ने के लिए कुछ और भी सोर्सेस यूज़ कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करो, अदर बुक यूज़ करो, MTG यूज़ करो, एनसीईआरटी बूस्टर यूज़ करो, प्रीवियस बनाओ, एम्स के क्वेश्चन बनाओ, लेकिन थ्योरी बस एनसीईआरटी से पढ़ना। जितना बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा मित्र, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि एनसीईआरटी को ही पढ़ना है भैया। एनसीईआरटी से आप क्वेश्चंस निकालो, स्टेटमेंट्स निकालो, मैंने वीडियो बना रखा है यार, आप देखना ना, वो जाके देखना, दिख जाएगा आपको कि एनसीईआरटी से कैसे क्या करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में बेसिकली क्या करना है, केमिस्ट्री इज वेरी मच ईजी। अगर आप केमिस्ट्री पे कमांड बना लेते हो ना, अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है, आप केमिस्ट्री पे स्टार्टिंग से कमांड बनाओ। स्टार्टिंग से आपको फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, ठीक है। इन केस ऑफ 12th आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, ठीक है। जितना हो सके यार आप MCQ लगाओ ना यार, आप करो ना प्रैक्टिस, तब तो सही होगा ना। आप ऐसे डरोगे तो कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यार सेम केस में बता रहा हूँ कि MCQ सॉल्व करनी है इन केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और यार आप
फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था फिजिकल केमिस्ट्री का। सेम इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर क्या है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा देंगे, पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है, बाकी अदर चैप्टर्स लाइक कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, मेटलर्जी, ये सब अच्छे से पढ़ा देंगे, लेकिन एक जो पार्ट है ना, दैट इज पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये खुद से करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एनसीईआरटी से। वैसे मैंने पिछले वीडियो में नोट्स मेकिंग में बताया था कि आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, देख लेना एक बार, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर आपको हेल्प करेंगे, बिना टीचर के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो। तो जो टीचर आपको क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उनका नोट्स अच्छे से बनाना, और हर एक मॉक टेस्ट से पहले उसी नोट्स को आप रिवाइज करके जाना। ये बेसिक स्ट्रेटेजी हो गया जो आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है, कुछ गलती इसमें मत करना, फाइन। अब देखो यार, फिजिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस ऐसे बोल नहीं रहा हूं मैं, सच में ईजी है। एक बार अगर मन लग गया ना फिजिक्स में, तो फिजिक्स का आपके आपसे सारा न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। आप ऐसे बस डरते रहते हो, भैया फिजिक्स नहीं बनते, आपने कोशिश किया है, ऑनेस्टली बताना, आपने कोशिश किया है, एक न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनते, तो आपने कितना टाइम उसमें लगाया है? नहीं, आप बस ऐसे टिक मार के छोड़ देते हो, नहीं मेरे से नहीं बना, टीचर से पूछ लेंगे, यही करते हो ना। ऐसे करोगे तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। आपको फिजिक्स में यार टाइम लगाना पड़ेगा। अगर मान लो न्यूमेरिकल नहीं बनते तो आप टाइम लगाओ ना, एक न्यूमेरिकल में आप 10 से 15 मिनट लगाओ। अगर नहीं बनते तो मान लो वो बन गया, आपसे यार अलग प्लीजर मिलेगी। हो सकता है यार बहुत वीक हो, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करो, टीचर से पूछो कैसे बनेगा, समझो, लेक्चर्स देखो, ऐसे करो ना, तो यार आपको, आप पहले ही मत डरो, ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डर रहे, फिजिक्स को टच करने से पहले डर रहे कि मेरे से फिजिक्स तो नहीं होगा। ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, एटलीस्ट आपको 120-130 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे ना फिजिक्स में, तभी तो सिलेक्शन होगा ना, तभी तो अच्छा कॉलेज में जाओगे ना, तभी तो ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना। चलो फिजिक्स से डरना नहीं, ठीक है, फिजिक्स से बिल्कुल मत डरना, फाइन, और न्यूमेरिकल सॉल्व जितना हो सके करो, ठीक है। मैं कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, वो ये कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना, तो थोड़ा कॉन्सनट्रेट होके करो, फाइन, थोड़ा कॉन्सनट्रेट होकर करो, मतलब या जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक एटलीस्ट एक बार सोचो कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मॉक टेस्ट में आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रेटजी खुद में बनाओ, है ना, स्ट्रेटजी बनाओगे तो क्या होगा कि यार आपको हेल्प रहेगा फ्यूचर में, कि आपको लगेगा कि यार इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व कर रखा है। और फिजिक्स का एक फंडा होता है, मैं बताता रहा हूँ, फिजिक्स का एक फंडा होता है, वो ये कि यार अगर आप उस प्रकार का क्वेश्चंस पहले कभी सॉल्व कर रखे होगे तभी आपसे मॉक टेस्ट में बन रहा होगा, नहीं तो नहीं बन रहा होगा। पता है क्यों? क्योंकि यार आपके पास टाइम कहाँ होता है सोचने का, सोचने का टाइम कहाँ होता है यार, 1 से 2 मिनट मिलते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैंने जब प्रिपरेशन कर रहा था मैं बस एक चीज़ सोच रखा था, एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी, वो ये थी कि मुझे हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेनी है, और यही चीज़ आपको फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि इनसफिशियंट आपके पास क्वेश्चन है तो हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अरे नहीं है तो आप सर्च करो नेट पे, आप चैप्टर लिखो कि ये चैप्टर का मुझे क्वेश्चन चाहिए, एलन का चाहिए, पीडब्ल्यू का चाहिए, जहाँ से आपको मिलेगा जरूर, आप कोशिश तो करो, खोजो तो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, और हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको कमांड बना के जाना है, ठीक है। तो मेरे मित्र यही स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी बस इतना ही है कि आपको मेहनत करना है, आपको खुद में कितना बिल्ड कर सकते हो आप, उस चीज़ पे आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो होप सो कि ये वीडियो से आपको कुछ एनर्जी मिली होगी। अब इस एनर्जी को यार आगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 8 महीने तक लगानी है, ठीक है, एंड शायद आप लगाओगे भी, क्योंकि आपने एक सपना देखा है जो शायद आपने बचपन में ही देखा था, और शायद पिछली बार वो सपना पूरा नहीं हो पाया ना, इस बार तो करेंगे ना। अगर आपने पिछली बार कोई लैगिंग कर रखा था तो उस लैगिंग को तो कंप्लीट करना है ना, इस बार तो मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, तो मेहनत तो करोगे ना, नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। नीड योर प्रॉमिस, आई नीड योर प्रॉमिस इन कमेंट सेक्शन, मेरी गला सूख गई बोलते बोलते, ठीक है। आई नीड योर प्रॉमिस इन कमेंट सेक्शन, भैया मेहनत करूँगा, ठीक है। और इतना मेहनत करना यार, इतना मेहनत करना ना कि नेक्स्ट टाइम आपको रिग्रेट ना फील हो कि यार पिछले बार मैंने थोड़ा सा कम मेहनत करा था, ठीक है। I hope you will join us. I hope you will work hard. I hope you will surely get your dream medical college. बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, और हमारा टारगेट सीरीज का वेट कर लो, और जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के पास
जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, ठीक है, कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे। शेयर कर दो, पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लो।